परिवार को सुसंस्कृत कैसे करें, पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित एवं प्रणव पांड्या द्वारा। ऑडियो 2। परिवार प्रशिक्षण। स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। बच्चे पढ़ते रहते हैं तो कोर्स की तमाम बातें याद हो जाती है। प्रशिक्षण का एक तरीका व्याख्यान और भाषण देना भी है। बंदूक चलाना, निशाना साधना, तैरना, कुश्ती, कसरत, यह सब प्रशिक्षण लोगों को मौखिक रूप से और प्रदर्शन द्वारा भी दिए जाते हैं। पर परिवार का प्रशिक्षण, जिसमें परिजनों के गुणों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है, मौखिक रूप से संपन्न नहीं होते। उसमें व्यक्तिगत आचरण का अधिक महत्व होता है। परिवार के बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करके ही अपना स्वभाव बनाते हैं। जैसे गुण बड़ों में होते हैं, उसी के अनुसार बच्चे और स्त्रियां ढलती हैं और पारिवारिक स्थिति भी उसी के अनुरूप बनाती जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि परिवार के बड़े बूढ़े, संचालक और बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहार द्वारा परिजनों का प्रशिक्षण करें। यदि आप नहीं करते और चाहते कि आपके घर वाले गाली बके और कटु बोले, तो आपको भी वाक संयम रहना चाहिए और मुख से गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिवार को व्यसनों से बचाना है तो आप स्वयं भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का इस्तेमाल ना करें। आप स्वयं शिष्ट आचार नहीं करेंगे तो दूसरे घर वालों को से ऐसी आशा कैसी रखी जा सकती है। अपनी आदतें अच्छी हो तो दूसरे लोग भी उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। गांधी जी के आश्रम पर इस बात का जोर दिया जाता था कि लोग अपने गुणों का विकास स्वयं करें। वहां लोग अपनी सेवा आप करते थे। सफाई, खाना बनाना, नियमितता, व्यवस्था आदि का प्रत्येक आश्रमवासी पूरा पूरा ध्यान रखता था। इस प्रकार प्रभाव यह होता था कि किसी भी आगंतुक को वे बातें बतानी नहीं पड़ती थी और लोग स्वेच्छा से आश्रम जीवन में सम्मिलित होते ही उसका पालन करने लगते थे। गांधी जी के आश्रम की तरह हमारे घरों में भी गुणों के विकास का और व्यवहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। पारिवारिक जीवन के संबंध में मुख्यतः दो दृष्टिकोण है। एक तो मोहमता, मालिकी, स्वार्थ और अहंकार का है। इस रूप में घर में किसी का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे परिवारों में भी कभी कभी एकता, संपन्नता आदि कई गुण देखने को मिल जाते हैं, पर लक्ष्य विहीन गृहस्थियां आम तौर पर विश्रृंखलित हो जाती हैं। भौतिक समृद्धि कितनी ही कर ली जाए, पर आत्मिक गुणों के अभाव से सुख और सौभाग्य का क्रम कभी देर तक नहीं चल पाता। यह अवस्था, यह दृष्टिकोण ही बंधन, पतन, पाप और नरक की ओर जाने वाला होता है। दूसरा दृष्टिकोण आत्मत्याग, सेवा, प्रेम और परमार्थ का है। यह मुक्ति, उत्थान, पुण्य और स्वर्ग प्रदान करता है। सामान्य रीति से इस दृष्टि से भी पारिवारिक जीवन की हलचलें पहले जैसी ही दिखाई देंगी, पर ऐसे परिवार के जीवन उद्देश्य विकसित होंगे। कर्तव्य पालन की दृष्टि से जब एक दूसरे के साथ प्रेम, ममता, स्नेह और आत्मीयता से जुड़े होंगे, तो इसी बहाने वे आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो रहे होंगे। यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। हमें अपने परिवार के पालन और निर्माण में दूसरे नंबर का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस प्रकार के क्रियाकलाप रखने चाहिए जिसे सदस्यों के जीवन उत्कर्ष की ओर उन्मुख रहे और उनमें गुणों का अभाव ना रहने पाए। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की रचना में योगदान देने की सर्वोत्तम इकाई अपना परिवार है। यदि हम इसका निर्माण करने में तत्पर होते हैं तो वह अपने देश, धर्म और जाति की एक बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। एक सुघड़ दिनचर्या। परिवार के बड़े सदस्यों को, जिनसे छोटे व्यक्ति सीखते हैं और प्रभावित होते हैं, अपनी जीवनचर्या बड़ी संतुलित रखनी चाहिए। हाथी नदी या तालाब में उतरता है तो हर कदम आहिस्ता से टटोलने पर आगे
पारिवारिक जीवन में बुराइयों का समावेश ना हो, इसके लिए प्रत्येक सदस्य की विशेषता गृहपति की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे गंदगी और फूहड़पन ना दिखाई दे रहा हो। प्रधान रूप से प्रधान देने व ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सदस्य के मस्तिष्क में दूषित प्रभाव डालने वाला कार्य हम ना करें। हमारी दिनचर्या कुछ इस तरह व्यवस्थित की हुई होनी चाहिए। प्रातःकाल सोकर उठने से लेकर सायंकाल सोने तक हम प्रत्येक कार्य हाथी की तरह टटोल टटोल कर करें और इस बात की सावधानी रखें कहीं कोई ऐसा न गड्ढा आ जाए जिसे बाद में पश्चाताप करना पड़े। इस प्रकार की सावधानी आहार विहार वार्तालाप चलने उठने बैठने के प्रत्येक तौर तरीके में होनी चाहिए। सुघर दिनचर्या परिवार निर्माण का प्रथम सूत्र है। दूसरा, सुव्यवस्था। परिवार छोटा रहे तो कुछ हर्ज नहीं, पर उसे सुव्यवस्थित रखना चाहिए। घर का कौन सा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, अमुक व्यक्ति किस काम में लगा है, उसके लिए भोजन पहुंचा या नहीं, किसी की कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट तो नहीं, इन सब बातों की आवश्यक जानकारी और उनकी पूर्ति समय पर यथारीति होती रहे। अव्यवस्था ही परिवार में अशांति उत्पन्न करने में डाकिनी का काम करता है, उससे दूर रहना आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्गों माताओं का एक दूसरे के प्रति यह कर्तव्य है कि वे घर की हर व्यवस्था का पाबंदी के साथ पालन करते रहे। तीसरा, सुसंस्कृत वेशभूषा। मानवीय स्वभाव की छोटी छोटी बातें भी सामूहिक तौर पर बड़ी प्रभावशाली होती है। आज जो सर्वत्र चारित्रिक पतन के दृश्य दिखाई देते हैं उसका एक कारण विकृत वेश विन्यास माना जाता है। बाल वृद्धि के लोग शारीरिक सौंदर्य और रूप का आकर्षण बढ़ाने के लिए तरह तरह के वेश विन्यास और रूप सज्जा किया करते हैं। इससे आत्मसंतोष तो क्या होता है, भड़कीला वेश विन्यास और बाहरी चमक बढ़ाने में मनुष्य के चरित्र का ही पतन हुआ है। आप भारतीय वस्त्रों और सजावट से बचकर रहने में ही अपना कल्याण है। अपने धर्म अपनी संस्कृति के अनुरूप केस वस्त्र और वेशभूषा में चरित्र और आत्मिक बल बढ़ाने वाले सादी एवं शालीनता पाई जाती है, उसका परित्याग करना अशोभनीय ही कहा जा सकता है। वस्त्र पहनने की जो परंपरा पूर्व पुरुषों की थी यह बड़ी सरल और उपयोगी रही है। पुरुष धोती कुर्ता जॉकेट टोपी तथा स्त्रियां साड़ी और सलूके पहनती रहती हैं। यह चयन सादगी और सरलता की दृष्टि से तो श्रेष्ठ रहा ही, इसका संबंध स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक रीति से बुराइयों से बचने वाला भी रहा है। हमें अपनी वेशभूषा पर गर्व करना चाहिए और भड़कीले बचकाने वेश विन्यास से सदैव बचना चाहिए। घर में ऐसे फैशन परस्ती को प्रवेश ना करने देना चाहिए जिसे उच्च श्रृंखल या उच्च और रंगीनी शौकीनी कहा जा सके। चार, सात्विक आहार। मनुष्य के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का निर्माण आहार पर निर्भर है। भारतीय मनुष्यों ने स्वास्थ्य सद्गुण और सदाचार की दृष्टि से सदैव सात्विक भोजन पर ही जोर दिया है। मांस मदिरा मछली अंडे तीखे कसैले चटपटे भोजन का यहाँ सदैव बहिष्कार किया गया है क्योंकि ये पदार्थ आत्मिक दुर्बलता पैदा करने वाले होते हैं। परिवार निर्माण में इसका बड़ा महत्व है। इस संबंध में हमें गीता के इस आदेश का पालन करना चाहिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यमा स्निग्ध्या स्त्रिया होया आहार सात्विक प्रिया। सात्विक आहार ही आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाला होता है। इसके विपरीत राजसिक आहार चाहे वह अधिक स्वास्थ्य या चटपटे क्यों ना हो प्रारंभ में अच्छे भले लगे पर वे अंत में रोग दुख और चिंता उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होते हैं। सात्विक भोजन से आध्यात्मिक भावों की वृद्धि होती है। वह विशेष रूप से महिला सदस्यों का कर्तव्य है कि वे सरल सुपाच्य और सादा भोजन तैयार करें। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई चोरी से छिप कर बाजार की गंदी चीजें ना खाए। इसे स्वास्थ्य की हानि तो है ही, नैतिक दृष्टि से भी यह चोरी अथवा ओछापन माना जाता है। अच्छा पौष्टिक भोजन लोगों को घर पर मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पांच,
सुमधुर वाणी, मधुर शांत एवं पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा न केवल अपने विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, अपितु अन्य परिजनों को प्रभावित करके उनके जीवन में भी कई नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा एवं नया मोड़ उत्पन्न करते हैं। पारिवारिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। इससे परिवार में स्नेह और प्रेम बना रहता है। हमें अमृतमय वाणी बोलने के साथ ही कम बोलने का भी अभ्यास बनाना चाहिए। जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढ़ाने वाली, निष्कपट, मधुर तथा हितकर होगी, वही अमृतमय कहलाएगी। संत कबीर ने कहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार पे संचरे साले सकल शरीर। शब्दों के सदुपयोग से संबंध जुड़ते हैं, कटु वचनों के कला से कला और उत्पन्न बढ़ता उत्पाद पड़ता है। अपने परिवार की सुस्थिरता के लिए इस सूत्र को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और भूल कर भी कोई अप्रिय बात मुख से ना निकालनी चाहिए। अधिकारवश कठोर वचन निकालना भी बुरा होता है। चाहे बच्चे से ही कुछ कहा जाए, पर शांत संयत एवं यथाशक्य नम्र वाणी का ही प्रयोग किया जाना अच्छा होता है। 6. शिष्ट आचार। परिवार में शिष्टाचार का पालन कड़ाई से होता रहे। बड़ों को सम्मान मिलता है तो वे छोटों से स्नेह करते हैं और अपने अनुभव एवं योग्यता का यथाशक्ति लाभ अपने प्रियजनों को देने का प्रयत्न करते हैं। आदर, मिष्ट वाणी, आज्ञा पालन आदि प्रत्येक बात में शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती है। अच्छी आदतों का एक एक कण मिलकर महान व्यक्तित्व बनता है और छोटी छोटी बुरी आदत भी कलेश, कलह, कटुता और पतन का कारण बन जाती है। दैनिक व्यवहार में विनित होने की कला का अभ्यास परिवार में होना चाहिए। यह केवल दिखावे के लिए नहीं, वरन आंतरिक भावनाओं के साथ होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, स्त्री, भाई आदि हमारे साथ सज्जनोचित व्यवहार करें, तो हमें भी शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा। शिष्टता सभ्यता की जननी है। इसी से हमें औरों से गौरव भी मिल सकता है।